दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और अब हमारा नो एंट्री खुलने वाला है, तो अब यहाँ से निकलेंगे और रोहित का भैया आ गए हैं बाइक से रोहित को ले जाने के लिए। तो रोहित भाई जा रहा है तो मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, अभी क्या बोल सकते हैं। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारा नो एंट्री खुल चुका है, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। अभी रोहित भाई नहीं है, अब हमको अकेला ही गाड़ी लेके जाना पड़ेगा घर तक। दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में। तो देखिए सामने होटल है, तो होटल के बगल में ही गाड़ी लगाए थे। अब चलते हैं टायर चेक करने के लिए, क्योंकि लंबा सफर है, टायर भी चेक करना बहुत जरूरी है भाई। इधर रोहित भाई का सीट खाली है, तो इनके लिए बहुत बोर लग रहा है भाई, कर भी क्या सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जैसे आए हुए थे गेहूँ लोडिंग करने के लिए रानीगंज बंगाल का, लेकिन कल दिन भर गाड़ी खड़ा रहा लेकिन लोडिंग नहीं हो पाया था। तो कल शाम को हम लोग गाड़ी काटा करा के फैक्ट्री में आ गए थे लोडिंग करने के लिए। फैक्ट्री नहीं मतलब गोदाम है, ये देखिए सामने गोदाम भी अभी खुल गया है। तो 10 बजे लेबर भाई आएंगे तो गाड़ी हमारा लोड होगा। देखिए दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी नहा धुआ लिए, रेडी हो गए। काहे कि पंकज भैया तो रात में नहा लिए थे और हम तो रात में मतलब सोने से पहले सोच लिए थे, सुबह उठ के हम नहाएंगे, काहे कि काम करेंगे बाद में, फिर हमको नहाना है। कहीं 2-3 दिन से हम नहाए नहीं थे, तो यही चलते बोलो नहीं आज नहाएंगे। काहे कि यहाँ बोरिंग है, बहुत बढ़िया पानी है, वो घाट साहब बोरिंग चालू कर दिए थे, हम नहा लिए। अब जाएंगे खाना पीना बनाने के लिए, आज बनेगा हम लोग का दाल भात भुजिया। ये देखिए दोस्तों अभी गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे लगे हुए, देखिए यहीं से लोड होगा गाड़ी। तो अभी डाला वाला खोल देते हैं, अब लोडिंग शुरू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों डाला वाला खोलते हैं। ठीक है दोस्तों अभी तिरपाल उरपाल समट के आगे रख देते हैं, बत्ता वत्ता तभी करते हैं। दोस्तों तिरपाल वगैरह तो बिछा दिए हैं बढ़िया से, देख सकते हैं तिरपाल भी हमारा बिछ गया है। अब लेबर भाई जो है लोड करेंगे, देखिए लेबर भाई भी आ गए हैं और ये पटरा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब पटरा लगा के आराम आराम से लोड करेंगे। 35 टन हमको माल चाहिए, लगभग 600 बोरा होगा, तो 1-2 घंटा हम लोड हो जाएगा। फिर रस्सा तिरपाल करेंगे और बगल में कांटा वगैरह करवा के फिर पेपर मिल जाएगा तो अपना निकल जाएंगे। तब तक चलते हैं खाना पीना बना लेते हैं। दोस्तों दिन के 11 बज चुके हैं और ये देखिए इधर चावल बना लिए, इधर चावल बन गया हमारा। तो आज हम लोग दाल भात और आलू का चोखा बनाने वाले हैं। तो देखिए उधर दाल भी चढ़ा दिए हैं, अभी सीटी नहीं मारा है, अभी दाल बनने में टाइम लगेगा। तो इधर देखिए आलू को फ्राई करेंगे जो हम लोग, टमाटर प्याज हरा मिर्च लहसुन और इधर धनिया भी रख लिए हैं। और दोस्तों आज हमारा नाश्ता में खीरा हो रहा है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आप लोग प्रोटीन और हरा वाला सामान नहीं खाते हैं, जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, ये सब भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खासकर गर्मी के लिए। अगर इसको सुबह सुबह नाश्ता कर लेंगे तो पेट ठंडा रहता है। तो देखिए आज खीरा भी काट लिए नाश्ता के रूप में और उधर हमारा गाड़ी लोड हो रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, दाल जब हो जाएगा तो आलू उसी में डाल दिए हैं, आलू सीज जाएगा फिर हम लोग चोखा बनाएंगे, तो बढ़िया से फ्राई करके बनाएंगे। चोखा क्या होता है कि बढ़िया से फ्राई कीजिएगा ना तो खाने में अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों अब खीरा का नाश्ता करते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी गाड़ी लोडिंग पे लग गया है, अब गाड़ी लोड हो रहा, देख सकते हैं गेहूँ ये लोड हो रहा है। देखिए कैसे लोड कर रहा है, पीठ में पीछे लोग क्या रखा है देख सकते हैं, बोरा रखा है, तो ये पीठ में ऐसे लोड होता है। तो इधर का लोडिंग अलग है, बिहार का लोडिंग अलग है, झारखंड का लोडिंग अलग है, मतलब सब चीज़ अलग अलग है। दोस्तों इधर दाल फ्राई करने के लिए लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर को बढ़िया फ्राई कर दिए हैं, अब चलते हैं दाल भी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा इसका मटेरियल निकाल के चोखा में डाल देंगे, दोनों काम हमारा हो जाएगा। लाल अभी निकाल दे रहे हैं चोखा का मटेरियल, इधर देखिए इधर आलू हमारा बॉयल हो गया है, अब सारा दाल जो है इसमें डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों दोपहर का अभी 11 बज चुका है, अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, देख सकते हैं दाल भात चोखा। और दोस्तों इधर हमारा भी खाना निकला हुआ है, दाल भात चोखा। बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों, दाल फ्राई वगैरह कर दिए तो अच्छा लग रहा है खाने में। दोस्तों हमारा गाड़ी लोड हो गया है, देखिए डाला लगा रहे हैं, तो
देखिए पूरा माल लोड हो गया बढ़िया से। रोहित भाई ऊपर चढ़े हुए हैं वर्क सरियाने के लिए, बोल रहे लेबर भाई को। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब रास्ता तिरपाल करते हैं हम लोग। दोस्तों गाड़ी तो लोड हो गया है, अब चलते हैं रास्ता तिरपाल कर देते हैं फटाफट। तो अच्छा टाइम में लोड हो गया हमारा गाड़ी। तो देखिए रोहित भाई जो ऊपर चढ़ गए, अब तिरपाल को बढ़िया से फैलाएंगे, उसके बाद देखिए रस्सी वगैरह सारा निकाल लिए हम लोग। दोस्तों भी काला तिरपाल बढ़िया से बिछा दिए हैं, अब एक ब्लैक वाला प्लास्टिक है वो भी इसके ऊपर बिछा देंगे, उसके बाद रस्सा करेंगे। रिस्क अभी भी हो सकता है, इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अभी काला तिरपाल मारे हैं, काला प्लास्टिक भी मार देते हैं, उसके बाद रस्सा कर देंगे हम लोग। अभी रोहित जो निकाल रहा है इधर काला तिरपाल, हम लोग बक्सा के अंदर में रखते हैं। ये देखिए ये हमारा बक्सा है, इस बक्सा को उठा के निकालते हैं। यही काला तिरपाल है दोस्तों। दोस्तों दिन के 3 बज चुके हैं और फाइनली हमारा रस्सा तिरपाल हो चुका है। देखिए बढ़िया से रस्सा तिरपाल कर दिए हैं, ब्लैक प्लास्टिक भी अंदर डाल के बढ़िया से रस्सी हो गया हमारा। रस्सी तिरपाल सारा कर दिए हैं भाई, अब चलते हैं काटा वगैरह करवाते हैं। काटा कराने के बाद ही बिल्टी मिलेगा, तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा काटा करने के लिए। रोहित भाई जा रहे हैं पैर हाथ धोने के लिए। देखिए दोस्तों अभी फैक्ट्री से निकल चुके हैं, अब चलते हैं काटा करने के लिए। यहाँ से काटा 1 किलोमीटर बचा हुआ है। आज रामनवमी भी है और आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लग रहा है इस बार रामनवमी हम लोग का घर पे ही बीतेगा, क्योंकि आज निकलेंगे तो कल हम लोग पहुँच ही जाएंगे। ऐसे हम लोग के तरफ रामनवमी 2 दिन रहता है, आज भी और कल भी है। काटा कर लिए हैं, अब बगल में रिलायंस जियो का जो पंप है वहाँ पे पार्टी लगाने बोल रहा है, बोल रहा है 1 घंटा वेट कीजिएगा पेपर मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी दिन के 4 बज चुके हैं और ये देखिए बिल्टी हमारा मिल चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से गौरीगंज जाएंगे और गौरीगंज से अमेठी और अमेठी से प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर निकलेंगे। आज रोहित भाई को अपना घर पहुँचा के ही रहेंगे हम, क्योंकि हम जो वादा करते हैं भाई वो निभाते हैं। तो प्रतापगढ़ बोला था रोहित कि प्रतापगढ़ भी जाएंगे, मेरा चाचा का लड़का का शादी है 18 को, लेकिन काहे नहीं एक ही दिन के लिए सही, लेकिन इसको भेंट मुलाकात जरूर कराएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग अमेठी पहुंचने वाले हैं, तो अमेठी मुश्किल से यहाँ से 5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी चल रहे हैं सिंगल रोड पे, तो देखिए अभी सिंगल रोड का कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ पेड़ पौधा का कितना ही सुंदर हरियाली है। तो अभी यूपी में चल रहे हैं तो सारा जगह गेहूं अभी कट गया है, इसी की वजह से गेहूँ हम लोग का गाड़ी में लोड हो गया, क्योंकि गेहूँ के सीजन में अधिकतर गाड़ी गेहूँ का लोड होता है और सब जगह जाता है। अमेठी में ही ट्रांसपोर्टर का ऑफिस है, इसीलिए ट्रांसपोर्टर बोला कि आप अमेठी आ जाइए, तो वहाँ पे एडवांस भी ले लेंगे हम लोग और डीजल भी ले लेंगे, बाकी पेपर वगैरह तो मिल गया है इसी वजह से, नहीं तो हम लोग को सुल्तानपुर होके जाना था। बोला भैया मेरा ऑफिस यहाँ पे, आपका अमेठी आना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी अमेठी पहुँचने वाले हैं। देखिए चारों तरफ गेहूँ का ही आपको खेती देखने को मिलेगा, बाएँ साइड या दाहिने साइड में सारा जगह गेहूँ कट गया, और यूपी में सारा जगह का रोड बन गया। तो बहुत ही अच्छा लगता है यूपी में गाड़ी चलाने में, और खासकर गर्मी के मौसम में तो कहना ही नहीं, देखिए ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है चलने में। अभी हम लोग अमेठी से सीधा प्रतापगढ़ निकलेंगे और प्रतापगढ़ से जौनपुर, अब देखते हैं रोहित का क्या होता है, प्रतापगढ़ में रुकेगा कि चलेगा, अभी वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सफ़र काट लेते हैं। दोस्तों अभी देखिए हम लोग अमेठी बाईपास में, देखिए ये सीधा अमेठी चला गया और बाएं साइड में बाईपास है, ये सीधे प्रतापगढ़ चला जाता है। अभी देखिए ट्रांसपोर्टर जो एडवांस भी दे दिया और बिल्टी वगैरह तो वहाँ मिल ही गया था। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से और आगे का सफर जारी रहेगा कंटिन्यू हम लोग का। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं। तो हम लोग प्रतापगढ़ जहां रुके हैं वहां से नो एंट्री शुरू हो जाता है, देखिए सामने जो बैरियर लगा हुआ है वहां से नो एंट्री शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग गाड़ी यहां साइड में लगा दिए हैं, देखिए ये रोड है, इस रोड के बगल में लगा दिए हैं, अब 10 बजे रात में यहाँ से चलेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं, अभी हम और पंकज भैया नाश्ता करने के लिए आए हैं समोसा, और आज हम फाइनली घर ही आ रहे हैं। पंकज भैया है, मैं इसको दिल से मतलब अभी जाने जो बंदा कैसा है पंकज भैया, लेकिन आदमी ठीक है, मेरे को आदमी जच रहा है धीरे धीरे, लेकिन आदमी हमको बढ़िया मिला है अब,
मैं आगे एक बार आया था तो मैं जा नहीं पाया था। पंकज भैया उस टाइम भी बोला तुम चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं गाड़ी 2 दिन खड़ा कर दूंगा। इन इस बार आए हैं तो पंकज भैया बोला ठीक है तुम शादी मना लो, शादी पार कर लो, फिर उसके बाद ट्रेन से तुम आ जाना, चिरकुंडा बॉर्डर तुम आ जाना, हम वहाँ से ले लेंगे तुम। तो ठीक है दोस्तों, नाश्ता करते हैं यार, मेरा भैया आ रहे हैं तो नाश्ता उस्ता करके रेडी रहते हैं, जाना जरूरी है। और मेरा मम्मी भी आ रहा है, कल मम्मी मेरा पहुंच जाएगा। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और अब हमारा नो एंट्री खुलने वाला है, तो अब यहां से निकलेंगे और रोहित का भैया आ गए हैं बाइक से रोहित को ले जाने के लिए, क्योंकि रोहित का अंकल का लड़के का शादी है 18 तारीख को, ये 2-3 दिन के बाद ही आएगा वहाँ जामताड़ा, फिर जामताड़ा के बाद हमारा ट्रक में चढ़ेगा। तो देख सकते हैं रोहित का, देखिए इधर बैग निकाल लिया है, इधर जो हम नया कपड़ा ले दिए थे बरही में वो है। तो रोहित भाई जा रहा है तो मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, अभी क्या बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरा बड़े भाई आ गया है अभी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और करीब हम आज 5 साल से हम घर नहीं गए हैं, यहाँ पे आए नहीं है प्रतापगढ़, तो हमको भी खराब लग रहा था। तो मेरा भाई का शादी अटेंड हो गया, तो हम इधर से मिल गया मेरे को समय, तो मैं जा रहा हूँ घर, अब फिर आएंगे 20-22 तारीख को आएंगे। अरे भाई साहब रोहित का चचेरा भाई है तो यही बैग लेके आए हैं, तो भैया भी जा रहे हैं साथ में लेके इनको। ये भैया का शादी नहीं है, इससे छोटा है, सुभाष भैया नाम है उसका शादी है, तो उसी का शादी में जा रहे हैं, अभी 2-3 दिन रहना है, उसके बाद फिर आ जाना है। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं, तो पंकज भैया भी रोम रोमी घर में मना लेगा आराम से 2 दिन, उसके बाद हम भी अपना 20 तारीख को फिर 21 तारीख को पंकज भैया के पास आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब रोहित जा रहा है बाइक से, तो अब 2-3 दिन हमको रोहित के बिना ही गुजारना पड़ेगा। तो देखिए इधर बाइक लेकर आ गए हैं भैया, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है भैया घर आपका? भैया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है, तो ठीक है रोहित भाई, ठीक है भैया, हैप्पी जर्नी, आराम आराम से जाइएगा, मिलते हैं 2-3 दिन के बाद, आराम आराम से जाइएगा। अरे मेरा तुम टेंशन मत लो यार, टेंशन रहता है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे आराम से। ओके भाई ओके, चलिए ठीक है, ठीक है रोहित, आराम आराम से जाइए, हैप्पी जर्नी, बाय 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 बाय। ओके भाई ओके ओके, एकदम आराम से जाइए। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारा नो एंट्री खुल चुका है, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, अभी रोहित भाई नहीं है, अब हमको अकेला ही गाड़ी लेके जाना पड़ेगा घर तक। तो देख सकते हैं उधर नो एंट्री खुल गया तो सारा गाड़ी जा रहा है, थोड़ा जाम लगा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं है भाई, मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे जाके फिर हम लोग लेफ्ट लेंगे और सीधा हम लोग जौनपुर निकल जाएंगे। दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में, तो देखिए सामने होटल है, तो होटल के बगल में ही गाड़ी लगाए थे, अब चलते हैं टायर चेक करने के लिए, क्योंकि लंबा सफ़र है, टायर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है भाई। टायर तो सारा सही है, अब चलते हैं होटल में खाना खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से 60 किलोमीटर जौनपुर और बचा हुआ है, तो चलिए ठीक है दोस्तों पहले खाना खाते हैं। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, देखिए आज हम लोग सेव भाजी और रोटी यही दोनों ऑर्डर किए थे, तो देखिए हमारा खाना आ गया है, चलते हैं खाने के लिए। दोस्तों सेव भाजी खाने का कुछ अपना ही मजा है। दोस्तों खाना तो खा लिए हैं, अब चलते हैं गाड़ी लेके, तो देखिए गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं, अब जा रहे हैं आराम आराम से, अब देखते हैं कितना बजे रात तक गाड़ी चला पाते हैं, क्योंकि लगभग 11:30 का समय हो चुका है, अब देखते हैं जौनपुर वगैरह पार करते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर नींद नहीं आएगा तो कंटिन्यू चलते रहेंगे, अगर नींद आएगा तो फिर जौनपुर पार करके सो जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं सफ़र का मज़ा ले रहे हैं अकेले अकेले, इधर रोहित भाई का सीट खाली है, तो अकेले बहुत ही बोर लग रहा है भाई, अब कर भी क्या सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों और थोड़ा सफ़र काट लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ब्लॉग का हमारा दूसरा दिन है और अभी सुबह के बज रहे 8, तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजा तालाब रिंग रोड पे। कल रात में हम लोग रात भर गाड़ी चलाए थे और बाबतपुर में आके 3 बजे सुबह हम सो गए थे, तो अभी सुत उठ के यहाँ से चले हैं, तो अभी हम पहुँचे हैं, चाय पीने के लिए रुके हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, जय हिंद, रिस्पेक्ट ड्राइवर।